हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। आज की क्लास में मैं मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट वेक्टर स्पेस का क्या होता है ये एक्सप्लेन करूंगा। इसकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। पहले मैं पढ़ देता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। ए सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेट टू बी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशन। कंडीशन वन क्या है, पहले तो एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होना पड़ेगा वेक्टर स्पेस वी का। सेकंड क्या है, ए प्रॉपर सुपरसेट ऑफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। इन दोनों कंडीशन क्या मतलब है इसे मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर थोड़ा एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट की अगर डेफिनेशन के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमल प्लस एलआई सबसेट। अगर ऐसा है कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का तो वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एलआई को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। तो इसका मतलब मैं आपको कोई सबसेट एस दे दूं वेक्टर स्पेस वी का, जैसे कि मान लीजिए वेक्टर स्पेस वी मैंने ले लिया आर क्यूब ओवर फील्ड आर, और इसका एक सबसेट मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए एस इक्वल टू दे दिया मैंने आपको 100010, और मैं पूछूं आपसे क्या ये एस मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है आर क्यूब का, तो आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन वन क्या कहता है, एस को लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होना चाहिए आर क्यूब का। तो ये तो हमें पता है प्रीवियस नॉलेज के आधार पे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट तो है, राइट। लिख देते हैं यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर क्यूब तो है, तो इसका मतलब कंडीशन वन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन टू देखते हैं, यही हमें मतलब मेनली समझना है। इसका क्या मतलब है, ए प्रॉपर सुपरसेट ऑफ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब एस में अगर हमने कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इंक्लूड किया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एस में अगर आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करें, मतलब इसका एक सुपर सेट बनाइए 010, अगर हम इसमें एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं 001, ठीक है, तो चेक कीजिए क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बना है, ठीक है। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि नहीं भाई, ये तो अभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बना हुआ है। इसका मतलब कंडीशन टू जो है यहाँ पे वायलेट कर रही है, कंडीशन टू होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन टू के हिसाब से ये मैक्सिमल एलाई सबसेट है। तो इसमें अगर आपने एस में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आपने इंक्लूड किया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई इसका एक सुपरसेट भी इनफैक्ट बन गया, इसको एस वन नाम दे देते हैं, एस का सुपरसेट बन गया एस वन, राइट। एस में हमने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इंक्लूड किया 001, और देख रहे हैं कि एस वन जो है वो एलआई है। इसका मतलब ये हुआ कि एस मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि कंडीशन टू जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं एस वन की, क्या एस वन मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है आर क्यूब का। क्वेश्चन में देखते हैं क्या एस वन जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है आर क्यूब का। सोचिए है कि नहीं, ये है। प्रीवियस नॉलेज के आधार पे हमें पहले तो ये पता है, क्या पता है कि एस वन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। भाई मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सब चेक करना है, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या कि एस वन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो एस वन इज एलआई सबसेट ऑफ आर क्यूब, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कशन किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। दूसरी बात क्या देखना है कि अगर आपने S1 में एक भी एलिमेंट ऐड किया, इंक्लूड किया, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ए प्रॉपर सुपर सेट ऑफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट। हमें अच्छे से पता है कि S1 में अगर आपने एक भी एलिमेंट इंक्लूड किया 100010001 है, अगर इसमें आपने एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट यूनियन करके डाला, जैसे हमने बोला हम 200 इंक्लूड कर देते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर आपने इसमें एडिशनली ऐड किया तो क्या होगा, जैसे आपने कहा हमने 200 डाला, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब S1 जो है ये दोनों ही क्राइटेरिया को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है। S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और इसका कोई भी प्रॉपर सुपरसेट आप बनाइए, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एलिमेंट अगर आपने इंक्लूड किया, ओके, तो ये सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि ये S1 इज मैक्सिमल एलआई सबसेट ऑफ मैक्सिमल एलआई सबसेट ऑफ आर क्यूब ओवर आर। अब चाहे तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर स्पेस के मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बना सकते हैं। जैसे मैं आपसे वेक्टर स्पेस V ले लूं, मान लीजिए मैं ले लूं वेक्टर स्पेस P3 ओवर R, पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस लेता हूं, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 3, मतलब इसके एलिमेंट इस तरीके के होंगे, मान लीजिए ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस
थ्री एक्स क्यूब, इस टाइप के एलिमेंट है इसके, जहां मान लेते हैं ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब मैं आपसे इसकी मैक्सिमल एलाई सबसेट की बात करूं तो फिर आपको अब भाई इसके सबसेट उठाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने एक सबसेट लिया एस इक्वल टू वन और क्वेश्चन चेक किया आपने, क्या ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है आपका पी थ्री का, तो पहला जो चेकलिस्ट, पहली चेकलिस्ट तो तय है, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये जैसे मैं आप यहाँ लिखूँ, अगर चेकलिस्ट बना दूँ कि आपको दो चीज़ चेक करनी है, पहली बात तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दूसरी बात ये मैक्सिमल हो, मतलब इससे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट आप ना बना पाए, या कह सकते हैं आप कि इसका कोई भी सुपरसेट आप बनाएं और वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। करेक्ट, इसका जो भी सुपरसेट आप बनाएंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो एलआई ये वाली चेकलिस्ट तो पार कर गया, और आपने कहा कि मैं तो इसका सुपरसेट बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? इसमें आपने वन में एक्स इंक्लूड किया और आपने कहा कि भाई इसमें हमने इंक्लूड किया, ये अभी भी लीनियरली डिपेंडेंट बना हुआ है, जबकि अगर ये मैक्सिमल लीनियरली डिपेंडेंट होता तो अब तक ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो चेकलिस्ट के हिसाब से लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन इसका जो सुपर सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी इससे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बचा हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या एस वन जो है वो मैक्सिमल एलआई सबसेट है पी थ्री का, तो आप बोलोगे नहीं, मैं इससे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट बना सकता हूँ। ये लो वन एक्स एक्स स्क्वायर ले लिया और देखिए एस वन जो है एस टू का सबसेट हो गया, एस यहाँ पे एस वन का सबसेट था, मतलब फिर एस वन का एक सुपरसेट मिल गया हमें वन एक्स स्क्वायर, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जबकि अगर एस वन को मैक्सिमल एलआई होना था तो इसका कोई भी सुपरसेट आप लेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होना था, यहाँ तो आप बनाए जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है, क्या एस टू जो है वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है पी थ्री का, फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, हम फिर से इसका एक सुपरसेट बना सकते हैं वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये जो कि हमें पता है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारा जो है अभी भी हमें मैक्सिमल एलआई सबसेट नहीं मिला है पी थ्री का, राइट, मतलब एस टू इज ऑल्सो नॉट मैक्सिमल एलआई, एस वन इज ऑल्सो नॉट, एस इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि इनका सुपरसेट हम बना दे रहे हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। अब लास्ट में हमारे पास ये बचा हुआ है एस थ्री, क्या एस थ्री मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है पी थ्री का, देन यस एस थ्री इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ पी थ्री, दिस इज यस, दिस इज मैक्सिमल एल आई। थोड़ा सा आइडिया आपको बेसिस का मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर बेसिस के आइडिया आपको पता है तो आपको ये पता है होगा कि डायमेंशन ऑफ पी थ्री अगर आप निकालेंगे तो वो 4 है, जिसके बेसिस में चार एलिमेंट है, 1x, x square, ये यूजर बेसिस लिख रहा हूँ, x क्यूब, राइट, मैक्सिमल एलआई में यहाँ पे चार एलिमेंट है, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आपको लग रहा होगा बेसिस से है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ पी थ्री भी 4 है, ये भी 4 है, तो इससे रिलेटेड हम थ्योरम जल्द ही करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यस दे आर कनेक्टेड, किस तरीके से कनेक्टेड है हम आगे थ्योरी में देखेंगे। यहाँ पे ही आपको बता दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैक्सिमल एलआई सबसेट किसी वेक्टर स्पेस में अगर आपको देखना है तो उसकी बेसिस जो है या उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन देखिए 4 है, देन यू विल हैव दिस 4, तो ये हमने देखिए तुरंत बना दिया हमने, राइट। इसी तरीके से इसके पिछले एग्जाम्पल में भी था, आपको पता है डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू 3, तो आप देखिए इसके मैक्सिमल एलआई सबसेट में भी 3 एलिमेंट होंगे, राइट। तो ये था सारा का सारा डिस्कशन अबाउट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ एनी वेक्टर स्पेस, और इसके बाद हम इससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे जो कि अक्सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी पूछे जाते हैं, कनेक्शन बिटवीन मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट एंड बेसिस, यू कैन से व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन देम, तो ये थ्योरम का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, एंड यू कैन सब्सक्राइब मी इफ आई एम हेल्पिंग यू इन एनी वे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, शुक्रिया, थैंक यू।